हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गुरुदेव में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे नीट 2019 ऑल इंडिया कोटे की जो सीट है उसको आज स्टेट को सरेंडर की जाएगी। तो क्या अपडेट है उसके बारे में पूरा बात करेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना हमारे इस तरह के लेटेस्ट वीडियो रोज़ाना देखने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं नीट ऑल इंडिया कोटे से आज स्टेट को सरेंडर की जाएगी सीटें। मेडिकल कॉलेज की ऑल इंडिया कोटे की 15% कोटे से आवंटित सीटों पर स्टूडेंट 25 जुलाई तक ज्वाइनिंग दे सकते हैं। इसके साथ ही ऑल इंडिया कोटे से आवंटित नहीं होने वाली सीटों को अब राज्य को सरेंडर कर दी जाएगी। मतलब दोस्तों, अगर 25 तारीख तक जिन स्टूडेंट को सीटें मिल जाती हैं और बची हुई सीटें स्टेट कोटा में सरेंडर कर दी जाएगी। अब यहाँ देख सकते हैं, स्टूडेंट आवंटित मेडिकल संस्थानों की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं तो वह ऑल इंडिया मेडिकल काउंसलिंग के साथ साथ विभिन्न राज्यों द्वारा 85% कोटे के लिए आयोजित की जा रही काउंसलिंग प्रक्रिया से भी बाहर हो जाएंगे। यानी दोस्तों, जो अगर इन्होंने ज्वाइनिंग कर ली तो ये 85% स्टेट कोटा की जो सीटें हैं उससे ये बाहर हो जाएंगे। आपको यहाँ देखने को मौका मिल रहा है, अपग्रेडन का मौका नहीं रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट है, आप यहाँ देख सकते हैं, स्टूडेंट अगर दूसरे राउंड की आवंटित सीटों से संतुष्ट नहीं है तो उनके पास दो ऑप्शन है। वह समय सीमा में रहकर अपनी सीट को त्याग सकते हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें, अगर किसी स्टूडेंट को अपनी जो सीटें मिली है अगर वो उससे संतुष्ट नहीं है उस कॉलेज की सीट से, तो वो अपनी सीट को त्याग सकता है, तभी वो अगले राउंड में काउंसलिंग कर सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं सिक्योरिटी फ़ीस के बारे में। अब आप दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, सिक्योरिटी राशि का रिफंड प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ ही साथ आप अपनी सिक्योरिटी राशि का रिफंड भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको पूरा अपडेट दिखा दूँ, स्टेट काउंसलिंग के दूसरे राउंड का रिजल्ट आज जारी होगा। दोस्तों, राजस्थान स्टेट मेडिकल काउंसलिंग के दूसरे राउंड के सभी परिणाम आज जारी किए जाएंगे। सीट आवंटित का परिणाम 26 जुलाई को जारी किया जाएगा। आप देख सकते हैं, 15% कोटा MBBS BDS मेडिकल काउंसलिंग के तहत आवंटित मेडिकल संस्थानों को ज्वाइनिंग करें या उसे छोड़कर राजस्थान स्टेट द्वारा जारी किए जाने वाले द्वितीय राउंड के सीट आवंटित के परिणाम का इंतज़ार करें। यानी दोस्तों, अगर आपके AIQ में अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है और अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप सेकेंड राउंड की जो स्टेट काउंसलिंग है उसके अंदर आप भर सकते हैं फॉर्म। तो आज का अपडेट ये था, अगर आपको पसंद आए इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपके मन में कोई भी सवाल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।